लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है और लोकसभा के चुनाव में आज हमारी पीएससी की मीटिंग थी। उस मीटिंग में सबने मिलकर के एक फैसला किया, जहां हमने हमारे पास अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से नाम आए थे, पहले उन पे सब पे विचार विमर्श हुआ, उसके बाद ये फैसला हुआ कि ये सारी की सारी लिस्ट लेकर के चौटाला साहब से मिलकर के कौन कौन किस किस लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी होगा उसका फैसला लेंगे। और उसके साथ साथ ये भी तय हुआ कि 16 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होंगे, हम 14 या 15 तारीख को अपनी लिस्ट जारी करेंगे। उस दिन हम बताएंगे कि हमारे किस किस लोकसभा क्षेत्र से कौन कौन प्रत्याशी चुनाव में आएगा, चुनाव लड़ेगा। आज के जो हालात है, पिछले 15 साल से जब से कांग्रेस और बीजेपी की सरकार इस देश पर में रही है, 10 साल जो कांग्रेस का राज था और 5 साल का बीजेपी का जो राज, इसमें सबसे ज्यादा शोषण जो है किसान का हुआ। कांग्रेस के राज में तो हरियाणा प्रदेश के किसान की बेशुम कीमती जमीन को कोड़ियों के दाम लेकर के कहीं वाड्रा के नाम अलॉट कर दी, कहीं बिल्डरों को दे दी, किसान की जमीन को औने पौने दाम पे बेचने पे हुड्डा की सरकार ने मजबूर किया। आज उसी का खामियाजा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भुगतना पड़ रहा है। आज उसी को लेकर के सीबीआई की कोर्ट का सामना करना पड़ता है। और इस पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का राज बनने के बाद, जहां किसान को बड़े सबजबाग दिखाए गए थे, वहीं किसान को आर्थिक रूप से कमजोर किया गया। कभी साइकिल पे, कभी बस पे, कभी मोटरसाइकिल पे। पहले ये तो पूछो कि किसको तुम इकट्ठे बैठ करके दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे आपसी मतभेद खत्म हो गए। मतभेद तो खत्म हो सकते हैं, मन भेद इनके कभी खत्म नहीं हो सकते। इनकी लड़ाई जो है अब प्रदेश के लोगों के हितों की नहीं है, इनकी लड़ाई अपने वर्चस्व की है, वो इनका अब खत्म हो चुका है। गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े नेता को किस तरह से, जैसे भेड़ों का एक ग्वालिया सुबह सवेरे अपनी भेड़ों को लेकर के लोगों के खेतों में निकल जाता है, आज वैसी हालत कांग्रेस की होगी कि उनको भी इनको भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठा करके बस में चढ़ाना पड़ता है और फिर थोड़ी देर बाद में जहाँ बस ब्रेक लगाती है वहाँ ये उतर उतर के भाग जाते हैं, फिर अगले दिन उसे इकट्ठा करना पड़ता है। जो लोग ये कहते थे भी हमारे निकालते नहीं, आज वकीलों के चक्कर काट रहे हैं। अब वो ये क्यों नहीं कहते भी हम इस्तीफा दे रहे हैं, हमने तो उनको नोटिस दे दिया। अब उनका काम बनता था कि वो इस्तीफा देते, ये इस्तीफा नहीं देंगे, हमें मेरे को इनको कटवाना पड़ेगा। और अब अगर ये इस्तीफा भी दे देंगे तो भी मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, 100% इनको डिस्क्वालीफाई करूंगा ताकि अगली कोई भी फैसिलिटीज ये अवेल ना कर सके। अब हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे कि उनकी अर्ली हियरिंग की जाए और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अपना फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट ने अगर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रख दिया तो ये तो बेचारे चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। अगर डिस्क्वालीफाई नहीं अकेले, इन पे तो अगले 6 साल के लिए इलेक्शन की पाबंदी भी लग सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अर्ली हियरिंग करवा के उसके ऊपर अपना फैसला दे दिया और अगर फैसला एज इट इज रख दिया, वो फैसला ठीक है क्योंकि जो हाई कोर्ट ने फैसला लिया है वो भी जो एक्ट बना है उसी के मुताबिक लिया है। जल्दी जाऊंगा, आज ही मैं कह के आया हूँ, हमारे जो लीगल सेल का हेड है जिसको स्टेट की जिम्मेवारी दे रखी है जसवीर ढिल्लो जी, उनसे कहे कि आप इसको एक्ट को अच्छी तरह से पढ़ो और सुप्रीम कोर्ट में
स्टे है, कितने टाइम से है, क्यों पेंडिंग है, क्या रीजंस हैं, इन सब चीज़ों का पता करो। कोई अर्ली हियरिंग हो इसके लिए, क्या पेटिशन डाली जाए, क्या इसके लिए किस तरह की एप्लीकेशन में सुप्रीम कोर्ट में दी जाए, लीगली कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, वो काम उनका है, मेरा नहीं है, वकील देख के करें। कह रहे हम 10 की 10 सीटों पे लड़ेंगे, आप गठबंधन की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आज भी चल रही है आपकी खबर, मुझे लगता है सोशल मीडिया में कुछ लोगों को कोई काम नहीं है बेचारों, मुझे लगता है उनको घर वाले सुबह ही जल्दी नहला धुला के घर से बाहर निकाल देते हैं, वे सारा दिन बैठे मत्था मारेगा फोन देखे। शिकायत नहीं, हमने विधानसभा के अंदर एक पेटिशन डाली है अध्यक्ष के पास, दौलतपुरिया जो हमारे MLA, उन्होंने लिख करके दिया है कि 4 MLA ऐसे हैं जो बैठते तो बेंच पे तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के, सिंबल पे जीत के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, और बाहर जा करके लोगों के बीच में जहाँ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाएं बजाय उसके, वो एक नई पार्टी बनी है चप्पल वालों की, उसकी नीतियों को आगे कैसे बढ़ाया जाए उस पर काम करते हैं। उन्होंने सबूत के साथ स्पीकर को सारी बातें लिख करके दी है कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। कानून के मुताबिक जो एंटी डिफेक्शन बिल आया था उसके मुताबिक कोई भी किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति किसी सिंबल पे जीत करके जाए और वो विधानसभा या लोकसभा का सदस्य के रूप में किसी पार्टी के सिंबल पे जीत के गया है, वो उस पार्टी की जो विचारधाराएं उसके विपरीत कहीं जा करके काम नहीं कर सकता, एक पाबंदी है। अगर वो उसकी विचारधाराओं की अलग हट करके किसी मंच पे जा करके, किसी राजनीतिक मंच पे जा करके, किसी सामाजिक मंच पे नहीं, अगर राजनीतिक मंच पे किसी पार्टी के साथ खड़ा होकर के अपनी पार्टी की विचारधाराओं को गलत साबित करने की कोशिश करता है तो फिर उसके खिलाफ 100% डील को इसका डिस्क्वालिफिकेशन का केस बनता है। हमने स्पीकर को लिखा है, स्पीकर ने नोटिस कर दिया, उनका नोटिस में क्या जवाब आएगा उसके बाद हम फिर स्पीकर के पास अपनी पूरी दौलतपुरिया जी और उसके साथ जो और मेंबर्स हैं उनको और उनके साथ अपने वकील भेज करके बकायदा तौर पे रूलिंग के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से हम डिमांड करेंगे कि इनको जल्दी से जल्दी डिस्क्वालीफाई किया जाए।